एवरी वन जोहे बतीक सात बका रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ हम लोग दोबारा रूडन एंडक्लेव आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली एक कनाल कमर्शल की जो है वो उसके बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने व्यूज से आप लोगों को आगाह करें देखते हैं आप लोग उसके साथ एग्री होते हैं या नहीं होते हैं साथ भाई से जानते हैं साथ भाई जी बताएं ये जो एक कनाल वाले कमर्शल्स हैं रूड एन एंडलेव के जो कि आपको और मुझे इस टाइम के ऊपर ये लगता है कि थोड़े से एक्सपेंसिव सोसाइटी दे रही है बट स्टिल इसके प्रॉस्पेक्ट के हवाले से बताएं कि ये कैसे कोई कमर्शल्स है जुहैब भाई अगर आपने रूडेन इंक्लेव का नक्शा देखा है तो आप ये देखेंगे कि जो इसका मेन 200 फुट वाइड बुलेवर्ड है उसके ऊपर सेक्टर ए से लेके सेक्टर एल तक जो कि सेक्टर ए सबसे पहला सेक्टर है रूडेन इंक्लेव का और सेक्टर एल सबसे आखिरी सेक्टर है रूडन इनक्लेव का एक तो, कमर्शियल पट्टी शुरू से चलती हुई जा रही है और आखिर तक जा रही है ये आपने है। देखा होगा बिल्कुल और कभी भी कोई भी सबसे मेन कमर्शियल यानी मैं कहूंगी जो सबसे टॉप रैंकिंग कमर्शियल होता है वो सबसे बड़ी सड़क के ऊपर होता है जो कि 200 फुट वाइड है आ, अगर हम इस कमर्शियल को देखें यहाँ पे एक कनाल के प्लॉट्स हैं तमाम ये हर दोनों साइड पे दोनों अतराफ पे आपको ये 200 फुट के बुलेवर्ट के दोनों अतराफ पे मिलेंगे सेक्टर ए में सेक्टर बी में एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ और अल्टीमेटली काफी आगे तक जा रहे हैं इसमें बेशुमार कॉर्नर्स हैं जनरल हैं ये सारे ही बुलेवर्ट के प्लॉट्स हैं 50 बाय 90 जो कि एक कनाल का साइज होता है ये इनका साइज है और इसकी पॉसिबिलिटी जुहैब भाई ये है कि अगर आपने एल के लॉस पड़े हों जो कि अब तमाम पंजाब में पूरे पंजाब में एप्लीकेबल होंगे आप बेसमेंट

कोई कॉलेज बनाए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाएं, या कोई अपार्टमेंट्स uh, की बिल्डिंग बनाएं, या कोई आप प्लान करते हैं कि आप कोई होटल uh, बनाएं तो ये तमाम चीज़ें एक बड़े प्लॉट के अंदर पॉसिबिलिटी पॉसिबल ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहते हैं कि ब्रांड ज्यादातर आके किधर बैठना पसंद करता है वैसे तो कोशिश करते हैं कि मेन रोड के ऊपर बैठूं बट बैठ रूडन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं देखिए जोहेब भाई अगर मैं रूडन एनक्लेव की बात कर रहा हूं तो रूडन एनक्लेव के अंदर आ, मैं इसका कंपैरिजन करूंगा बहुत सारे मेन रोड के कमर्शियल से अगर आप कराची से वाकिफ हैं तो आपको मेन तारिक रोड का पता होगा जो कुछ मेन रोड के ऊपर है वो बेस्ट है जो कुछ साइड पर मैं ये नहीं कहता कि वो बुरा है लेकिन ठीक है इसी तरह इस्लामाबाद में अगर आप चले जाएं तो आप देख लें आ, ब्लू एरिया को जो कुछ सब अच्छा मेन कमर्शियल मेन रोड के ऊपर है बैंक्स ब्रांड्स डोमिनोज सिवर सब चीजें यहीं पर हैं इसी तरह अगर आप लाहौर चले जाएं तो एम एम आलम रोड मेन रोड मेन रोड के ऊपर ही सारा बिजनेस हो रहा है साइड पे कुछ नहीं हो रहा है इसी तरह अगर आप पिशावर चले जाएं तो यूनिवर्सिटी रोड मेन रोड के ऊपर बिजनेस हो रहा है अगर आप बहरिया टाउन चले जाएं तो उसका मेन रिंग रोड मेन रिंग रोड के ऊपर ही सारे अच्छा, इसका जो है वो, वो इसका जो है वो ये मतलब नहीं होता है बहुत सारे लोग जो है वो इन चीजों को नेगेटिव ले लेते हैं इन चीजों का ये मतलब कहीं भी नहीं होता है कि जो साइड वाले कमर्शल्स हैं उनको कारोबार नहीं जाता है साइड वाले कमर्शल्स को भी कारोबार जाता है बट हम एक कनाल के कमर्शल का जो एक्चुअल इंपैक्ट है जो कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आएगा वो अब इस वीडियो के अंदर कोशिश कर रहे हैं आइंदा आने वाली वीडियोज़ के अंदर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को चीज़ समझाएं कि इसकी इम्प्लिकेशन किस तरीके से हो सकती है आपको किस किस्म का आगे जाके फायदा हो सकता है प्राइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस टाइम के ऊपर बताएं कि ये प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है देखिए इस टाइम की भाई अगर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो आप मुझे मेरे अंदाजे ब्याह को थोड़ा सा एक रियल्टर की हैसियत से कह दें मैं आपको यही कहूँगा कि देखें अगर हम बहुत सारी डिफरेंट सोसाइटीज़ को देखते हैं मैं कहता हूँ कि अगर मैं बैरिया टाउन के गार्डन सिटी के अंदर कमर्शियल्स मिल रहे हैं कि कनाल के तो साढ़े पाँच करोड़ रुपए का कमर्शियल है वो अगर मैं कहता हूँ कि मैं और ज़रा पीछे चला जाता हूँ तो तकरीबन आठ मरले का कमर्शियल बैरिया टाउन के आप अंदर आपको तकरीबन तीन करोड़ से पाँच करोड़ के बीच के अंदर मिल जाता है मैं और पीछे चला जाता हूँ बैरिया टाउन के थके हुए कमर्शियल्स की बात करता हूँ वो कमर्शियल जहाँ पर मेरा भी दफ्तर है मैं स्क्वेयर कमर्शियल की बात करता हूँ वहाँ पर आपको मेन बुलेवट का पाँच मरले का प्लाट तकरीबन पौने दो करोड़ रुपये का मिल जाता है पाँच मरले का प्लाट पौने दो करोड़ रुपये का इससे भी सस्ता है यहाँ का एक कनाल का प्लाट तकरीबन कितने का मिल जाएगा जी अभी आप रेट नहीं डिस्कलोज करना चाह रहे हैं रेट मालूम हासिल करने के लिए आप हमसे रहा कर सकते हैं ठीक अच्छा इसके अलावा आप क्या एड ऑन करना चाहते हैं देखिए इसके अलावा मैं ये ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि देखें अगर हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और आपकी इस्तात है कि आप रूड एंड टेफ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं बड़ी चीज़ के अंदर या अगर आप ज़्यादा चीज़ें लेना चाहते हैं डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी तो लोग क्योंकि दर सोसाइटी इज़ न्यू तो देर आर सर्टन इंडिविजुअल जो एक एक दो दो चीज़ें ले रहे हैं लेकिन ये सोसाइटी क्योंकि सी पैक रूट के ऊपर आ रही है सी के सी पैक रूट का मतलब है कि रिंग रोड इसको बहुत अच्छा इम्पैक्ट करेगी ये वो जगह होगी कि जो बहुत मुनासिब है आज लेकिन आ, गेटिंग ऑन इन टाइम नहीं रहेगी तो अल्टीमेटली वो तमाम लोग जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको जबरदस्त किस्म का यहाँ पे फायदा आने वाला है तो मैं या जुहेब भाई आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये एक कनाल का कमर्शियल प्लॉट है ये गेटिंग ऑन इन टाइम अल्टीमेट हो तीन करोड़ रुपये का बहुत जल्दी बिक जाए मुमकिन है पांच करोड़ रुपए का बिक जाए मुमकिन है सोसाइटी कह कि यार हमें वापस कर दो भाई ये कमर्शियल तुम्हें खुदा का वास्ता हमने गलत टाइम पे तुम्हें ये कमर्शियल्स बेच दिए लेकिन सोसाइटी अभी भी इसको बहुत सस्ता नहीं बेच रही हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको ये सस्ता बेचे लेकिन अभी भी ये बहुत महंगे कमर्शियल्स हैं लेकिन दे आर वर्थ इन्वेस्टिंग इन दे हैव देव दोटेंशल नजर आ रहा है कि मैं जो जितना कर रहा की उस बात के ऊपर ये कमर्शियल बहुत अच्छा है जिस मर्जी से लें जरूर लें कमर्शियल अपना ख्याल रखें हमारे जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं होंगे फेसबुक पेज का लिंक भी होगा उधर भी आप हमसे रहा कर सकते हैं रूड एंड इन एंड क्लेव या उसके अलावा इस्लामाबाद रावल पिंडी की रियल स्टेट के अलावा अगर आप हमसे कोई चीज़ पूछना चाहते हैं कि हवाले से तो हमसे ज़रूर राबता करें अपना ख्याल रखें अलैक्